कृषि मंत्री कमल पटेल कृषि शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए छात्रों के प्रतिनिधिमंडल से मिले। पटेल ने प्रतिनिधिमंडल की मांगों पर छात्रों को आश्वस्त किया है और कहा कि जल्द ही प्रमुखता के आधार पर इन मांगों का निराकरण किया जाएगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अनुषांगिक संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के क्षेत्रीय संगठन मंत्री चेतस सुखाड़िया के नेतृत्व में जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर एवं राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय और ग्वालियर के छात्रों का प्रतिनिधिमंडल कृषि मंत्री कमल पटेल के भोपाल स्थित उनके निवास पर मिले। विद्यार्थी परिषद के क्षेत्रीय संगठन मंत्री के साथ छात्रों के प्रतिनिधिमंडल ने मंत्री पटेल के सामने दोनों विश्वविद्यालयों में अपनी चार सूत्री मांगों का प्रस्ताव रखा। मंत्री पटेल ने मांगों के प्रस्ताव पर आश्वस्त किया कि शीघ्र ही आपकी मांगों का प्रमुखता के आधार पर निराकरण किया जाएगा। पटेल ने कहा, मैं अधिकारियों से चर्चा कर आपकी मांगों को पूरा करवाने का प्रयास करूंगा। विद्यार्थी परिषद के प्रतिनिधिमंडल के छात्रों की जो प्रमुख मांगे हैं, इन मांगों में कृषि शिक्षा के क्षेत्र में निजी विश्वविद्यालयों द्वारा अधिनियमों के विरुद्ध की जा रही अनियमितता के साथ राज्य शासन द्वारा PAT की परीक्षा सितंबर अक्टूबर माह के स्थान पर मई जून माह में किए जाने और स्टेट एग्रीकल्चर काउंसिलिंग बनाने, प्रदेश सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र में निकाली जा रही भर्ती परीक्षाओं में ICAR एवं RVSKVV व JNKVV विश्वविद्यालयों एवं अन्य राज्यों के राज्य शासन के अधिनियमों के अंतर्गत स्थापित कृषि विश्वविद्यालयों के छात्रों को ही अनुमति दिए जाना प्रमुख है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।